What are you saying, man? हम एक हजाम से पैसे कमाएंगे. No, bro. वो हैरी है ना, लंदन का गजनी है. लंदन का गजनी है. कोई भी लाउड आवाज सुनता है ना, जैसे कि ठप ठुप ठा, उसके कान का नस तप जाता है. एक मिनट के लिए सब भूल जाता है, bro. Come, come, come. Let's have some fun. What's up, Harry? Hey. Yeah. Woohoo. यार इसका थोड़ा स्टाइलिंग कर रहे यार. Wow, ugly, isn't it? Come, 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 come. अरे तू क्यों रहा है, पागल है क्या? स्प्रे ले ना. यस नाइस मैन. How much, Harry? 5 pounds. यार हैरी मेरे पास तो 20 pounds है यार. अब चेंज देता ना. Yeah. Thank you. Yes. तू 20 pounds दिया था ना? 15 pounds तो? आपने दिया 20 pounds. Yeah. मुझे छुट्टा देने का 15 pounds. थैंक यू. बुला 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 रे, बुला 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 रे, बुला 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 रे. यस 15 pounds चेंज. थैंक यू. 15 pounds चेंज. 15 pounds चेंज. आज मेरा फास्ट है, इसलिए थोड़ा स्लो मारा. भुलक्कड़ का फायदा उठाते हो. मेरे भाई के पैसे निकाल. सॉरी मैक्स, सॉरी, आगे से नहीं करेंगे. सॉरी 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 मैक्स. यार पैसे कहाँ गए? हाँ मैक्स, वो तो लड़के आए थे. तेरे पैसे ले गए. शिट, फैंटास्टिक. मैं तो भूल ही गया था. 25, 35. अबे तेरे भूलने की वजह से हम वैसे ही बिग भाई के प्रॉब्लम में फंसे हुए. साले तू सुधरता क्यों नहीं? ए, वॉल्यूम को नीचे रख. लुक हू इज टॉकिंग. तू तो वैसे ही भूल जाएगा. ज्यादा बोलना मत. ए चुप कर. देख दूंगा. भाई भाई मैक्स, हैरी तुम दोनों फिर से शुरू हो गई. देख तू ऐसे झगड़ा करेगी और तू ऐसे लड़ेगी तो मेरी भी सटक जाएगी, बता देती हूँ. हाँ तो फिर से शुरू हो गया. करेगी लड़ेगी. इसको कुछ बोल मत, इसने जेंडर का टेंडर नहीं भरा. निकल जाती है यार. निकल जाता है. करेक्ट. गाइस स्माइल प्लीज, एक भाई आ गए. दो ही चीज फेमस है, बिग बैन और बिग भाई. अब ये बताओ कि माइकल भाई के 5 million pounds का इंतजाम हुआ? हुआ? नहीं हुआ. नहीं हुआ. बोलो बोलो. हम लोग यस बैंक गए थे लोन लेने के लिए. ओके. लेकिन यस बैंक वालों ने नो बोल दिया. नो बोल दिया भाई. अच्छा. इतनी सी बात. इतनी सी बात. भाई छोड़ दो. भाई छोड़ दो. इतनी सी बात है बेटा. भूल हो गई भाई. भूल नहीं हो गई थी. भूल गया था. याद कर. पर इस वेरे में से बढ़िया ये पकड़. ये माइकल भाई का 5 million pounds है. बाद में लेता हूँ. संभाल के रखना. ये माइकल भाई के 5 million. संभाल के रखना. माइकल भाई के 5 million संभाल के रखना. बाहर देख पुलिस तो नहीं आई. पुलिस. माइकल भाई के गंदे कपड़े संभाल के धोना. माइकल भाई के पैंट से पैसे निकले. आ, आ,
उसके पैसे लौटाने का एक प्लान है हमारे पास। अच्छा, मैं समझाती हूँ आपको, लेकिन फिलहाल आप बैठिए ना, आइए। हाँ बैठ रहा हूँ। हैरी भाई, अपने बिग भाई को हीरोइन बना है। हीरो, हीरो, हीरो। अबे बिग भाई, बाल छोटे कर दो। नहीं, बड़े कर दे, इतने तो कर ही दे आज। ताना नहीं भाई, ताना नहीं। अरे क्या ताना नहीं यार, है? तुम लोगों ने मेरा कितना खून उबाला उबाला उबाला। जी हो गया, एकदम तैयार हो। तैयार हो तो फिर मिरर दिखाओ। वो रहा मिरर? आगे से नहीं बे, पीछे से दिखा। जी, अब मुझे मत घुमाओ, मिरर दिखाओ पीछे। हाँ। से हाँ जी, हाँ जी, लो जी। सर देखिए सर, अबे तूने तो वाकई पीछे से मेरे बाल बढ़ाए क्या? हाँ सर, आगे से पीछे से एक्सटेंशन लगा दिया। अच्छा, अब उसे छोड़। अब ये बता कि आगे मुद्दे की बात क्या है? माइकल भाई के पैसे लौटाने का प्लान, वो बता, बोल। सर हमारा फैमिली प्लानर तो यही है। बता भाई क्या प्लान है? बोल। वो लंदन के टाइकून ठका के नाम सुना है ना आपने? उनकी तीन बेटियों के साथ हमारी डेटिंग वेटिंग चल रही है। बस सीमा की शादी हो गई, हम आपको 5 क्या 10 मिलियन वापस करेंगे। 10 मिलियन छोकरी, अपनी औकात में रह, समझा? और तू इधर आ, वो बिलियनर लड़कियां हैं, तुम जैसे छिछोरों से शादी क्यों करेंगी? अरे क्योंकि हमने उन्हें फंसा रखा है, बस 2-4 महीने बाद शादी पक्की। माइकल तक नहीं रुकेगा, 2-4 महीने में शादी हो जाएगी। कुछ भी तो फिर क्या करें बिग भाई? हाँ एक आइडिया है, ऑल इंडिया, तू भी सुन। हाँ। ओरिजिनल है एकदम, न्यू प्लान। मैं लड़कियों को छेड़ूंगा, ओके, और तुम लड़कियों को बचाओगे। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। हाँ भाई ओरिजिनल, भाई ओरिजिनल, ओरिजिनल। गाइस प्लीज बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, ओके? तुम लोग उतने सीधे, शरीफ और संस्कारी नजर आना जितने हमारे पापा हैं। ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी। बेटी, बेटी, बेटी। Come on, my darlings. पापा, these are the boys we told you about. पापा, Max और Harry दोनों लंदन में ही पले बड़े। ये है Max, this is Harry, and this is Roy. पापा, we wanted you to. No, boys, talk only. मैं तुम्हारे लिए नए घोड़े लाया हूँ। जाओ, उन्हें चेक करो। पर पापा, हम भी यहाँ पर हैं तो। बोला ना, जाओ। So, Mr. Astronaut, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को, अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ यू आर हॉर्सिंग अराउंड। सारी घोड़े इस तरफ क्यों आ रहे? भागो!
कृति, कृति आर यू ओके? हैरी, एक घोड़े से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना, मैं आई डोंट नो। मेरी बच्चियों, पापा यू ओके? सब ठीक है ना? हाँ पापा। गॉड, इनसे काबिल और डिजर्विंग दामाद मुझे कहाँ मिल सकते हैं? बॉयज टर्न ऑन, मेरा मतलब है यू आर ऑन बॉयज, कल अपनी माँ को हमसे मिलाने के लिए ले आना। तो ये है तुम्हारी स्वर्गवासी माँ जी। समधन, वो देखो सोने की चिड़िया। गलत है ये, मेरी मम्मी की फोटो वापस कीजिए बेटे, वापस कीजिए, हट जाएगी। अरे पापा, पापा, लिसन, दिस इज नॉट फेयर। नो, आई पाई विल टॉक टू हिम। पापा, हमने डिसाइड कर लिया डेस्टिनेशन वेडिंग इटली में ही होगा। नो, डिसाइड किया इटली, आई थिंक इट शुड बी। अरे आई सेड वेगास इन से। अरे नहीं, अरे तुम लोग फिर से शुरू हो गए। एक मिनट, पापा की तो बात सुन लो जी। बोलिए पापा। हमेशा की तरह इसका फैसला करता है हमारा खानदानी गोला। ये गोला किसका? तुम्हारे पिताजी का, वो घुमाएंगे। पिताजी अपना गोला घुमाएंगे। ओके, रेडी, हियर वी गो। व्हाट द हेल इज सितमगढ़? अरे यार, ये सितमगढ़ बहुत बोरिंग है, मैं फिर से घुमा रही हूँ। ओके, कम ऑन। वेगस 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 प्लीज, कम ऑन सितमगढ़। ओके, फिर से सितमगढ़। सितमगढ़, अरे किसी को पता भी है सितमगढ़ है कहाँ? उज्जैन पालिका घाटी के तीसरी पहाड़ी के पीछे ब्रह्म सागर नदी से लगकर ये ऐतिहासिक सामुरो भरा राज्य है हमारा सितमगढ़। हैरी, तुझे कैसे पता? हाँ हैरी, तुझे कैसे पता? आई डोंट नो। एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स इट कैन बी फन। आई मीन इटली और इबिजा तो हर कोई जाता है। This can be adventurous. What's it? Yeah. So, a traditional Indian wedding, yeah? Exactly. ठीक है, सितंबर तो सितंबर ही सही। पापा, हमारी शादी सितंबर में ही होगी। मुबारक हो। पापा से बूढ़ा लग रहा था। The new dowager, pardon, the new manager of this magnanimous, monumental, majestic, masterpiece palace.
डाल बॉय। मम्मी तुमको कितनी बार बोला प्राण जाए पर वजन न जाए। I'm a joke. Luggage. महाराजा सूर्य सिंह राणा और आप यहाँ के महाराज हो। दिस इज योर किंगडम। आप यहाँ के राजा हो, बादशाह हो, बादशाह। hey, मैं बादशाह हूँ तो तुम क्या यहाँ के हनी सिंह हो? नृत्य सम्राट मंगड़ू महाराज, तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ है। सही बोला, मेरा पूना में ही जन्म हुआ है। पूना नहीं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म हुआ है। अंगरक्षक धर्म पुत्र महाबली। आखिरी पास्ता। वल्ला वल्ला, इसने मेरे को पहचान लिया। ब्लडी वुड इस पास्ता। बैज पे लिखा है। राजकुमार बालादेव सिंह, मेरे अंदर दादा, मेरे पिताता, इसके सर पे बाल भी आ गया। मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपकी चरण छूता हूँ। पागल है। आप मेरे हाथ में। सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन आप जरूर ले जा रहे हो। छोड़ो 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 मुझे। I'm not joking. Everyone is reborn. He keeps talking rubbish. He has some mental problem. Sorry sir. Please come. Please come. Please follow me. Yeah. Please.
के कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे राज्य के कुछ व्यापारी एक शिकायत लेकर आए हैं। शिकायत? जी। अब क्या किया हमारे बेटे ने? महाराज, मेरे 5 वर्षीय सुपुत्र ने राजकुमार बालाजी अस्तजी बंजर ताल को देख कर एक किलकारी क्या लगा दी। महाराज, राजकुमार बालक क्रोधित हो उठे। ऐसा क्यों किया उन्होंने महाराज? जब राजकुमार बालक का जन्म हुआ था उनके सर में बहुत बाल थी, इसलिए हमने उसका नाम बाला रखा था। लेकिन 2 वर्ष की आयु में जब उसका राज मुंडन हुआ उसके बाद उसके बाल वापस आए ही नहीं। टकला का टकला रह गया। दुर्भाग्य। ये देखिए महाराज, मेरे 5 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी टकला कर दिया महाराज। बाला, मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी। खीर? पहले तू खा तीर। बाला, नीचे कर। मैंने कहा नीचे कर, नीचे कर। हमारी प्रजा पर ऐसा जुल्म, अगर तेरी एक और शिकायत हमारे पास आई तो मैं तुझे राज्य से बेदखल कर दूंगा। शमा पिताश्री, शमा, बचपन से माँ का साया भी नहीं और आपके मुंडन करवाने के बाद सर पे छाया भी नहीं। शमा चाहता हूँ, शमा चाहता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उठो 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 उठो। देख लिया सबके सामने। शमा चाहता, इधर आ। और अच्छा पुत्र, बेटा प्रजा से प्यार किया कर, वो तुझे प्यार करेंगे। मेरे बाद राजा तो तुझे ही बनना है। कब? आप मजाक कर रहा था। हमारा मजाक किया बेटा। हमारा अच्छा बेटा, मालूम था कि हमारा बेटा एक दिन सुधर जाएगा। आज हमारा बेटा सुधर गया। शाबाश, आओ भोजन। आपके पीछे पिताश्री। मेरा अच्छा बेटा। अपने बाप की हत्या करना चाहता है। सुपारा में बह गया, राजपथ, राजमहल, राजगद्दी सब चला गया। तकलिया तकलिया तकलिया। तेरा बाप तकलिया, ये तेरे हाथ में क्या है? निमंत्रण पत्र सितमगढ़ राज्य के महाराज सूर्य सिंह राणा का। उनके हैप्पी जन्मदिन के अवसर पर अगले 7 दिन के लिए सितमगढ़ में महा उत्सव मनाया जा रहा है। ये निमंत्रण पत्र गलती से आपके नौकर पास्ता के हाथ लग गया। पास्ता? हाँ, ये पत्र नहीं शस्त्र है, हमारे पिताजी से बदला लेने का शस्त्र।
सुना है महाराज सूर्य सिंह राणा का कोई पुत्र नहीं? उनका तीन तीन सुपुत्री है, मधुमाला मीना। सबसे बड़ी वाली का नाम क्या है? मधु। और पास्ता, अगर हमने सबसे बड़ी सुपुत्री राजकुमारी मधु के साथ विवाह कर लिया तो सितमगढ़ के राज्य पे कब्जा करके हम यहाँ की प्रजा और पिताजी को फिश फिश कर देंगे। मम्मी अल्ली की तू वहाँ जाएगा कैसे? वहाँ तो अलग अलग राज्य का राजकुमार महाराज के लिए पद पर गिफ्ट लेके आएगा। तुम क्या लेके जाएगा? तुम तो भूखा है, नंगा है, फतीचर है, फकीर है, उशी। मेरे पैर में स्वर का तत्ती फंस गया। जवाब दे गए, हमने बिना कोई सवाल किए उस 82 साल के घुटने टूटे वाली महिला को उसे उसके घर भेज दिया अपने शाही वाहन में, और खुद इस टूटे हुए वाहन में आए हैं महाराज, क्योंकि मेरे पिताश्री कहा करते थे, सेवा करो मेवा मिलेगा महाराज। मगर राजकुमार बाला, आज हमारे ताया जी, हमारे महाराज का जन्मदिन है, इस भव्य विराट अवसर पर आप उनके लिए कोई भेंट नहीं लाए? महाराज, लाने को तो हम घोड़े हाथी क्या, हाथी घोड़े भी ला सकते थे, सोना चांदी क्या, चांदी सोना भी ला सकते थे, किंतु ये सब मोह माया है महाराज। ये राजकुमार बाला तो कुछ और बहुमूल्य भेंट लाया है आपके लिए, और वो भेंट है ये हमारे माधवगढ़ राज्य की टट्टी, मतलब मट्टी, मट्टी महाराज, मट्टी जिसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है महाराज। ये आदमी की यौवन शक्ति बढ़ाता है, उसे चुस्त बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है, यू समझिए महाराज। ये आपके लिए नहीं, आपकी 120 बीवियों के लिए है। अच्छा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, रानियों के लिए। इसमें शिलाजीत, मकरध्वज, कायाकल्प और च्यवनप्राश भी है महाराज। खुल जा सिम सिम। सूर्यवान, बाकी की जितनी भी भेंट है हम
हमारी प्रजा में बांट दी जाए। महाराज की, महाराज की, महाराज की। हर वर्ष आप महाराज के जन्मदिन पर अपने पीठ पर कोड़े बरसवाते हैं। तुम ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, ये हमारी सजा है। खुद को एहसास दिलाने की सजा कि एक वर्ष और बीत गया और हम अब तक सितमगढ़ के महाराज नहीं बने। लेकिन अब वक्त बदलेगा और तख्त भी बदलेगा। लेकिन कैसे? रणभूमि में तंत्र मंत्र या फिर यंत्र चलता है, लेकिन विजयी वही होता है जहां षड्यंत्र चलता है। हमला होगा और उसका शक जाएगा इस राज्य के सबसे बड़े दुश्मन पर, खूंखार टोली का सरदार कामा। जाम शाही कोठा बनाएंगे पास्ता और यहाँ हम गरीबों को तीर मारेंगे। मम्मा मिया यार, टॉर्चर खाना खोलने से पहले राजकुमारी मधु का दिल तो चाहिए। चलो गुरुजी का नृत्य शुरू हो गया। अच्छा? गुरुजी का नृत्य शुरू हो गया। चलो देखे कौन सा नृत्य हो रहा है। मैं छोरा, हाय मैं छोरा, हाय मैं छोरा, छोरे से झटपट पट पट प्रेम करो मैं, हाय गे रे साहिबा, झटपट झटपट प्रेम करो मैं, हाय हाय हाय। कोई गपुर चलोंडा आई, मेरी झड़ती जवानी को जगाई, मुड़ मुड़ के झटपट बुलाई, मारू मारू आँख में मारू, झटपट झटपट प्रेम करो मैं, हाय। वाह बांगड़ू महाराज वाह, ये प्रतिभा आप में कहाँ से आई? हाँ, आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरु गोविंदा प्रभु देवा। गोविंदा प्रभु देवा? हाँ, जगत गुरु गोविंदा, वही मेरे प्रभु है, वही मेरे देवा। लेकिन अभी मैं थक गई देवा रे देवा। ए मुयो, हसो कम नाचो ज्यादा। जी गुरुजी। माफी गुरुजी। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। जाती हूँ मैं। जल्दी है क्या? धड़के जिया। वो क्यों भला? अरे वाह, इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए। अच्छा छोड़ो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कोई देख लेगा गुरुजी। अरे कौन है यहाँ देखने वाला? राजकुमार बाला, राजकुमार बाला। बांगड़ू, तू कैसे बच गया बांगड़ू? 6 महीने पहले जब हम आपके राज्य में नृत्य सम्राट बनकर सिखा रहे थे। क्या हो रहा है ये? अरे क्या कर रहे बांगड़ू महाराज, बंद करो ये नाच गाना। आज राजकुमार बाला का मुजुर पार्टी में मुजुर वाली नहीं आया है। तो बोले यहाँ से 3-4 लड़की लोग उठा लो, चलो अच्छा महिलाओं उठा लो। ए पास्ता नाच पिटे, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए लड़कियों को कौन हाथ लगाता है। हाँ राजकुमार, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ राजकुमार। ये शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा का मंदिर है? हाँ। शिक्षा को उठाओ। क्या? नहीं, शिक्षा को मत उठाओ, ये छोड़ दे। ये कैसी शिक्षा है राजकुमार? बड़ी श्रद्धा और तपस्या से इस मंदिर को इन बच्चों ने बनाया राजकुमार। तपस्या को उठाओ, श्रद्धा को उठाओ। नहीं 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 राजकुमार, अरे छोड़ दे, तपस्या को मत उठाओ। तपस्या, इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। कल्पना को उठाओ। कल्पना नहीं, इन्हें आजाद कर दो राजकुमार। आजाद भाई को उठाओ, उठाओ भाई आजाद को उठाओ। राजकुमार बाला, हमारे बारे में तो सोचिए ना।
राजकुमार, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन माधवगढ़ में सबसे पहले आपने अपने शाही जल्लाद को ही कर दिया। ये सुनते ही वो भाग गया। जब मारने के लिए कोई नहीं था तो हमें कौन मारता, इसीलिए हम भी भाग गए। आज तक हमने किसी की भी जान नहीं ली। नो। इन हाथों पर किसी निर्दोष का भी खून नहीं। अनर्थ हो गई, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। राजकुमार, पर आप सितमगढ़ कैसे आए? हम राजकुमारी मधु से विवाह करना चाहते हैं। आप और विवाह? नहीं नहीं नहीं, आपका ही विवाह राजकुमार जी, आपका ही विवाह, बढ़िया है। हम चलते हैं। जाओ, तुम जा सकते हो। पहला को राजकुमार की जय हो। तो हम भी जाकर महाराज के कानों में फूंक देते हैं कि तुम सबके लिए आधे छोरी छोरे हो, लेकिन राजकुमारी माला के लिए पूरे छिछोरे हो। शैतान का साला, राजकुमार माला, मैं आपकी मदद करूंगी, मेरा मतलब करूंगा। तुम हमें राजकुमारी मधु के बारे में सब बताओगे, ताकि इस एक हफ्ते के अंदर हम राजकुमारी मधु के साथ यूं लिपटा लिपटी चुम्मा चाटे रंग रलिया करेंगे। असंभव। क्यों असंभव? क्योंकि उनका वो अंगरक्षक किसी को आसपास फटकने नहीं देता। अरे ऐसे अंगरक्षक पड़े देखें? कोई ऐसा वैसा अंगरक्षक नहीं है, वो सितमगढ़ का शाही कवच है। वो बलवानों में सबसे बलवान है। वो शाही अंगरक्षक धर्म पुत्र। वाह धर्मपुत्र, बहुत खूब, मन बलवान, लागे चट्टान, हुर हुर दबंग। मीना, इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए ना। बस राजकुमारियों, पहले अपनी तलवार की पकड़ पर काबू रखिए। ऐसे? क्योंकि जिसका जोर कम होता है वही कमजोर होता है। जी बिल्कुल सही सिखा रहे हो धर्मपुत्र। क्या बात है राजकुमार बाला, लगता है आपको भी तलवारबाजी का काफी ज्ञान है। हमारे पिताजी कहा करते थे, वो ज्ञान है क्या? चुप बैठा ना जाए। तो फिर थोड़ा ज्ञान हमें भी बांट दीजिए, हम भी तो देखें आपकी तलवारबाजी। माफ कीजिएगा, हम महिलाओं के साथ नहीं लड़ते। मैं हमारी नहीं, मैं तो हमारे अंगरक्षक धर्मपुत्र की बात कर रही थी। आज अब अपनी शाही तलवार नहीं लाए हैं। लाए हैं? कहाँ है? और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में? विजय भव। साइड प्लीज। आक्रमण! तलवार टूट गई। चलो अपने अपने घर चलते हैं। ये है ना, लीजिए लड़िए। धन्यवाद। आक्रमण! अब क्या हुआ राजकुमार बाला? कुछ नहीं, आपके करीब जो आना था। जी हाँ जी। कमजोरी नहीं है, लेकिन
ये किसी की कमजोरी जरूर है। कौन? राजकुमारी मीना। राजकुमारी मीना को हमें अपने षड्यंत्र में शामिल करना होगा। राजकुमारी, अगर मैंने आपको अपना भी लिया तब भी महाराज नहीं मानेंगे। मानेंगे, अवश्य मानेंगे, लेकिन उसके लिए तुम सबको मिलके हमारी शादी राजकुमारी मधु से करवानी होगी। राजकुमारियों का स्वयंवर किया जाएगा। प्रथा के अनुसार तीनों राजकुमारियां राज्य के शाही परिंदों को उड़ाएंगी और जिसका परिंदा जिस राजकुमार पर बैठेगा वही होगा उनका वर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजकुमारी मधु के चुने हुए वर को राज्य का नया महाराज भी घोषित किया जाएगा। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, तकलिया, तेरा दांत तकलिया। अरे
भाई, टकलिया नहीं, टकलिया, टकलिया, मतलब जाओ। जी, आप गामा के खेमे में क्यों जा रहे हैं? उसके खेमे में जाना तो मौत को दावत देना है। मौत की ही दावत देने जा रहा हूं, लेकिन अपनी नहीं। कैसे आना हुआ? आज तक हमारी आपसी दुश्मनी में तुम्हारे और हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, इसलिए इस आपसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए महाराज ने अपनी तीनों राजकुमारियों के विवाह का निमंत्रण भेजकर मित्रता का पहला कदम उठाया है। दुश्मनी खत्म करने के लिए हमें जाना चाहिए भाई।
जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, चलो जान तो बच गई। किसने कहा जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ? क्या मतलब? वो देख सामने गामा का भाई। क्या स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। और दो ये लो सॉस। सॉस? हाँ, इस जमाने में पास्ता मिल सकता है तो सॉस क्यों नहीं। ऑसम सॉस। लेकिन धर्मपुत्र, ये बात तो माननी पड़ेगी, सच्चे प्यार को मिलवाने के लिए ऊपर वाला भी क्या क्या खेल खेलता है। खेल ऊपर वाला नहीं खेलता, महाराज बाला खेलता है। मतलब? उन शाही कबूतरों के बदले हमने पिंजरे में अपने पालतू कबूतर नील, नितिन और मुकेश तीनों के तीनों रख दिए थे। तो फिर शाही परिंदे गए कहाँ? हमारी थाली में। थूकी प्यूकी। अब चलो विवाह की तैयारी करते हैं। और मैं बॉस? जाओ तुम गिगली के साथ खेलो। ओके बॉस। मम्मीया गिगली। सॉस क्या देख रही हो? खून भरी मांग। मिरर मिरर ऑन द वॉल, मैं मिया बीवी आफ्टर ऑल। अब मेरी शिकायत करोगी? यू टेक अ कॉल। हुकुम, आपको इतना विश्वास कैसे है कि वो आएगा? वो देखो। खूखा टोली के प्रतिनिधि बनकर आ जाओ। अगर एक बार हमारे बीच रिश्ते अच्छे हो गए तो गामा तुम्हें खुद गले लगा लेगा। गामा मारेगा। प्रेम नहीं करते। हमने जो सब कुछ किया
सब कुछ आपका राजपाट हासिल करने के लिए किया था, और वो जो कबूतर हमारे कंधे पर आके बैठा था वो आपका शाही कबूतर नहीं था, वो हमारा कबूतर था, हमने बदल दिया था। पता है, हमने आपको वो कबूतर बदलते हुए देख लिया था, लेकिन हमें लगा आप वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमें खोना नहीं चाहते। हमें लगा आप हमारे सच्चे प्यार के लिए कर रहे हैं, और हमें ऊपर वाले और हमारे पूर्वजों की श्रद्धा पर इतना यकीन था कि हमने वो कबूतर वापस बदल दिया। जी हाँ राजकुमार वाला, जो कबूतर आप तीनों पर आकर बैठी थी वो आपके नहीं, हमारे शाही कबूतर थे। तो हमारा प्रेम तो सच्चा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप उस प्रेम के काबिल नहीं है। मुझे सब याद आ गया। राजकुमार बाला, ए मेरे गरीब नौकर, तेरे इस मालिक को सब याद आ गया। ओह शिट, क्या हुआ मालिक? इसका मतलब
शक्ति मेरी है, मैक्स की नहीं। और नेहा मैक्स की है, रॉय की नहीं। और पूजा रॉय की है, मेरी नहीं। यानी कि हम तीनों इस जन्म में अपनी अपनी भाभियों से शादी करेंगे। Oh my God. लेकिन शायद इसीलिए ये पाप रोकने के लिए ऊपर वाले ने मुझे सब याद दिला दिया है, ताकि मैं सबको अपना असली प्यार याद दिला सकूं। लेकिन मालिक, भाभी को बेबी प्रूफ करके बीवी बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 36 घंटा है। हे भगवान। भगवान उधर है। हे कृष्ण भगवान, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इस इम्तिहान की घड़ी में अपने दास की मदद करना। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी मदद करना। जय श्री कृष्ण। अरे ये भगवान भैरा थोड़ी है, एक बार में सब सुन लेते हैं। चलो चलो। पिछले जन्म का याद दिलाने का काम इस जन्म में उस आदमी को दिया है जो खुद भुलक्कड़ है। चलो चलो राजकुमार बाला, टाइम बहुत कम है। अब सबसे पहले एक एक के पास जाकर मुझे सबको याद दिलाना पड़ेगा कि कृति जो है वो मैक्स की नहीं, वो मेरी है। पूजा जो है वो मेरी नहीं है, वो रॉय की है। और नेहा जो है वो रॉय की नहीं, मैक्स की है। मम्मी, राजकुमार बाला, मेरे पिछले जन्म की गिगली मुझे कब मिलेगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। तू एक काम कर, गाड़ी पार्क कर, तब तक मिल जाएगी। जा जा, चल पार्क कर। जान बचाई? नहीं, हमने आपकी नहीं, अपनी जान बचाई। गलत है। ओ कम ऑन। पूजा, पूजा, पूजा,
की कोशिश करो। तुम भाभी हो, भाभी माँ समान होती है, मुझे शक्ति दो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये घोर पाप है, पाप नहीं करूँगा, ये घोर पाप है। रुक जाओ, बेबी, आज तुम्हारे पीठ पीछे कुछ करने का जी कर रहा है। कर लो ना बेबी, जो मन करे। हाय। भाभी की पीठ की कोई पप्पी लेता है क्या? यही मैं कह रहा हूँ, कोई भाभी की पीठ की पप्पी लेता है क्या? क्या? अरे ये तो मेरी होने वाली बीवी है। ये तेरी बीवी नहीं है, याद कर, तू पूजा से प्यार करता है, याद कर। व्हाट? पूजा, 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 यू लव पूजा, माय सिस्टर, मेरी बहन पूजा। अरे मेरी तो बीवी कुछ भी बोल रहा है। बीवी नहीं, चेहरा देख, भाभी है तेरी। अरे छोड़ दो, मेरी बहन का चक्कर मेरे होने वाले पति के साथ, डिस्गस्टिंग। मेरी बात तो सुन, मेरी सुन। अरे मेरी एक सेकंड, एक बात क्लियर कट बता दे मुझे, अभी तो कौन से जन्म का बदला ले रहा है? पिछले जन्म का, लेकिन मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं पिछले जन्म का थॉट ले रहा हूँ। अरे भाड़ में गया तेरा थॉट, नेहा के बारे में तो सोच। अरे नेहा खुद मैक्स के बारे में सोचती रहती है। क्या? हाँ, उनका चक्कर चल रहा है, वो दोनों प्रेमी है। कब हुआ ये? अरे एक हफ्ते पहले? नहीं नहीं, एक महीने पहले? नहीं, पिछले साल। नहीं बाबा, 600 साल पहले। अबे तेरी सटक ही है क्या? साले, क्या बोल रही है तू? ओए चोरा, चोरे से झटपट झटपट प्यार करूं मैं, हाय चोरा हूँ चोरे से झटपट झटपट प्यार करूं मैं, हाय। अरे तू नर्तकी था, तेरे गुरु थे प्रभु देवा और गोविंदा, याद कर। 600 साल पहले? हाँ, प्रभु देवा और गोविंदा मेरे गुरु। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रही है तू? क्या बोला तूने? क्या बोल रही है तू? यही स्त्रीलिंग, पुलिंग, इसमें मिस्टेक। क्यों करता है तू ऐसे? क्यों करता है? क्योंकि तू नर्तकी है, तू भांड है। हाँ, और तू गधे की गाय। हे भगवान, इस पे कुछ तो रहम बरसा। सुबह सुबह इस कबूतर ने मुझ पे हगा, पर अभी तुझ पे, तू समझा मतलब? अरे नील, नितिन, मुकेश, इन तीनों का पुनर्जन्म हुआ। क्या? कबूतरों का भी पुनर्जन्म? हम तीनों ने इन तीनों कबूतरों को काट के खाया था और उसका सूप पिया था। आ गया। याद आया? नहीं, मेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा पागल आ गया। ए, नील, नितिन, मुकेश, माफी, माफी, माफी। वाओ बेबी, तुम्हारे हम सो सीजन में एक इंच बढ़ गया। अच्छा, अब मेरी बारी। ओके। वाओ, क्या कमर है, एक इंच कम हो गई। यू लाइक इट? हाय पूजा। हाय प्रीति, सुन, आई नीड टू हैव अ वर्ड विद यू। हाँ बोलो। मैक्स, कैन यू प्लीज लीव? हाउ रूड, व्हाई शुड ही लीव? पूजा इज माय फियांसे, जो बोलना है इसके सामने बोलो, वी डोंट हैव एनी सीक्रेट्स। Oh, really? तो शायद ये सीक्रेट भी सीक्रेट नहीं है कि मैक्स और नेहा के बीच चक्कर चल रहा है। What? 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 No, baby. ये झूठ बोल रही है। नेहा तुम्हारी बहन के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मदर स्वयं। Oh, baby, I trust you. वैसे भी इसकी तो आदत है। आदत? What do you mean आदत? प्रीति, I'm talking to you as a concerned sister, okay? Oh, तो as a concerned sister, एक सच मैं भी बता देती हूँ। मेरे फियांसे पे उंगली उठाने से पहले अपने फियांसे को संभालो। What do you mean? पूजा, I didn't want to say this, क्योंकि शादी से पहले तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, but I'm sorry you asked for it. तुम्हारा हैरी ठरकी है। yeah. छेड़ा उसने मुझे। What? He tried to kiss me. इतना नहीं, इतना करीब आ गया था वो बेबी। Oh, what? मैं जानता था वो गिरा हुआ, लेकिन इतना, छोड़ो भाई साले। Hey, don't you dare say anything about my Harry.
वो बेचारा इतना संस्कारी है कि उसने अपने खुद के फियांसे को किस नहीं किया, वो तुझे क्या किस करेगा? पूजा सच सच बताना, तेरे और रॉय के बीच में क्या चल रहा है? Nothing. Have you lost your mind? वाह, राम मिला है जोड़ी हाँ? इसका फियांसे मुझ पे लाइन मार रहा है, इसके फियांसे पे लाइन मार रही है, क्या कपल है यार? तू रुक, आज मैं तुझे इसकी सच्चाई बताती हूँ। कॉलेज में तेरे बॉयफ्रेंड को इसने छीना, और वो भी ये कह के कि तू लेस्बियन है। तू किसकी बातों पे विश्वास कर रही है? Just shut up. You shut up. You shut up. You shut up. Keep your volume down. Have you gone ballistically paranoid? Sorry, but what is this? Sukha Gombi, Chinga Pomfret, Flowers Fish Market, for God's sake! Any function is going to commence. And guests are embarked, they're brought with presents. My God, this is not bus stand, taxi stand, rickshaw stand. Try to understand. Please go to your rooms and get ready, please. Such low-class people have come to my hotel. Why did I leave England and come to this place, my God? The doctor away. Sab ka pyar idhar hai, pata nahi mera gigli kidhar hai. The apple of my eye. Pasta! Mamma mia, mera! Mr. Vincent! Hey, I fired you. Who rehired you? Manager sab sara loka punarjanam ho gaya. This nonsense again? Ye mera khun ka sab Diego sab log fir se paina hua. Give it away. Give it away. Baat to suno. एकदम कार्स पिक्चर की तरह। अब क्या फंगा? This disgusting very blood on my head. How dare you touch my face? My gosh. मेरे को सब याद।
याद आ गया, दिखने में थोड़ी अगली हूँ, सब लोग कहते मैं पगली हूँ, मैं तो पिछले जन्म की किकली हूँ किकली। हाय नर्तकी बांगड़ू, तेरी वाली तो कोई और लग गई, पिछले जन्म में तो हुई माँ, मैं थक गई। धर्मपुत्र लगा दे कोई भी ठप्पा, तू तो बॉडी को गार्ड करने वाला कटप्पा। क्या बोल रही है? मीना माला मधु, फिर से तुम्हारे पेट को मालिश करके साबुन मलू। राजा सूर्य सिंह राणा, बहुत बड़ा श्याणा, जब भी मैं पहन के आती थी राजस्थानी स्कर्ट, मेरे को देख के करता रहता था फ्लर्ट। राजकुमार बाला, याद है मेरे को तेरा फिश फिश ऐसे करता था सबको डिसमिस। ये कौन याद कर? विंस्टन चर्चिल की थी आखरी पास्ता, मेरे सिंदूर ने ढूंढ लिया मेरे मांग का रास्ता, मेरे पास्ता कमर पे तूने मारी नजर, इस गिगली को कितना मजा आ गया, आजा बल्ला घुमा मैं हूँ गिगली तेरी, इस चुगली में कितना मजा आ गया, तू मेरा पति मैं तेरी पत्नी, भर दे मेरी मांग नहीं तो चीर दूंगी तेरी टांग। देखा देखा ए, बताना ऑपरेशन पहले कौन करेगा, तू या मैं? ऑपरेशन और तो क्या, बच्चे नहीं पैदा करने हैं? मैंने तो नाम भी सोच लिया है, शबाना सुल्ताना रुखसाना, और उसके बाद रुक जाना। पास्ता, हाँ तू हमेशा कहता था ना ऊपर वाला फरिश्ता भेजेगा हमारी जिंदगी में, वो फरिश्ता पता है कौन है? कौन? गिगली। गिगली? इसकी मांग भरी और इसे सब कुछ याद आ गया। इसका मतलब यही है कि मुझे भी कृति को पिछले जन्म की कुछ पर्सनल चीज दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर याद आएगा। राजकुमार बाला, तुम अपना कौन सा पर्सनल चीज दिखाएगा? नहीं नहीं वो नहीं, ये देखो। ऑपरेशन ये राजा हरी मुझसे, तो कह रहा था कि सुअर की टट्टी चाटो। That's impossible. Impossible? तुमने किसे सुना कि मेरा चक्कर नया कैसा चल रहा है? हैरी से। और तुम्हें किसने बताया कि रॉय पूजा को प्यार करता है? हैरी ने। देखा? ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ हैरी है। चलो उसके पास। कम। माफी कबूतरों, माफी। ए कबूतरों, उस जन्म में मैंने तुम्हें खाया था, अब इस जन्म में तुम मुझे खा तो नहीं सकते हो, लेकिन जो खाया है वो मुझ पर निकाल तो सकते हो। हगो मुझ पे, जोर से हगो, मेरे पापों का यही प्राइस चेत है एंग्री बर्ड्स।
मेरे बच्चे, डोंट लूज हार्ट। मैं हैरी का इलाज यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से करवाऊंगा। रो मत। इसका इलाज किसी डॉक्टर के बस का नहीं है ठकराल। ये सितमगढ़ है सितमगढ़। यहाँ पे आए दिन भूत प्रेत पिशाच किसी के भी शरीर में शरण ले लेते हैं। अब क्या बकवास करते हो यार? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तेरी गिंगली, तू मेरा पास्ता। आ है मंडप के मैनेजर कोई नहीं। आज ये साड़ी, लिपस्टिक, आवाज बदल गई, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अरे तू गिंगली नहीं, गुगली है। ए राजा, इसी तरह तेरे दामाद में भी कोई भूत ही चढ़ा है। माय बुआ हारी, इज पोजेस्ड। सो सॉरी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं इन पहाड़ियों में एक बाबा को जानता हूँ, भूत भगाने के एक्सपर्ट बाबा राम सिंह। यहाँ क्यों आए हम लोग? अरे किससे मिलाने लाए हो तुम लोग? अरे राम से, बाबा से, जो तेरे अंदर के भूत को बाहर निकालेगा। भूत? हाँ, लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या? उनके अंदर भी एक भूत है। किसका? उनकी बीवी का। क्या? 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 ये बाबा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर देगा? हाँ, उल्टा नहीं, सीधा। क्योंकि उनकी सोच सीधी है, उनकी बातें सीधी है, उनके तौर तरीके सीधे हैं। वो देखो, सीधे सीधे आ रहे हैं राम से बाबा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं बीच भगवान है। स्वामी, लेकिन तेरे अंदर के भूत को जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या तोड़ा तोड़ी लगा रखी है ना? बड़ा आया तोड़ने वाला, चारपाई तोड़ता है, रोटियां तोड़ता है, कद्दू तोड़ने को बोलो। चुके शादी पे माइकल भाई आ रहे हैं। व्हाट? क्या? हाँ,
इसलिए प्लीज ये पागलपन छोड़ो और जल्दी से संगीत के लिए तैयार हो जाओ। मैक्स मैक्स ये सही कह रहा था, हम सब का पुनर्जन्म हुआ है। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। भाई इट्स वेरी वेरी सिंपल, इसकी बीवी जो है ना वो इसकी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है और हम दोनों की भाभी है। और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है और हम दोनों की भाभी। और जो तेरी बीवी है ना वो तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। कृति मेरी है। मैक्स वॉल्यूम को नीचे रख। एक बात बता देता हूँ, कृति पिछले जन्म में मेरी थी, इस जन्म में मेरी है और अगले जन्म में मेरी रहेगी। समझ में है पूरा गेम प्लान, ये सब ऊपर वाले ने लिखा है। और ये मिस्टर बुलकर, हाँ, इसकी हीरे की बीमारी को लेकर कितनी गालियां दी इसे, हाँ? लेकिन सोच, अगर ये भूलता नहीं और माइकल भाई के पैसे नहीं धोता तो हम उन तीन लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते। हाँ यार, लड़कियों की जान बचाना, उनके डैड को हमें अपनाना, बार बार वो ग्लोब का घूमना और सीधा सितमगढ़ पे आके ही रुकना, यार ये सब चीज ना ये इसलिए हुई है ताकि हम अपने असली प्यार को पाने की जिम्मेदारी उठा सके। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो ऊपर वाला है। कहां 1419 है, कहां 1419 और कहां 2019, मतलब 6-6 सेंचुरी के बाद भी हमारा सच्चा प्यार आज भी नॉट आउट है। सही है। अरे क्या सही है, शादी के लिए 22 घंटे बाकी है, आगे क्या करना है सोचो। बहुत दिल दुखाया ना हमने उनका। सबसे पहले तीनों से जाके माफी मांगते हैं। वो लोग माफ कर देंगे हमें? हम जानते हैं कि हमने तुम तीनों का दिल बहुत दुखाया है और हम माफी के लायक भी नहीं, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। हम पे हक क्यों ले रहे? कहीं हमें माफ तो नहीं कर दिया? ए कबूतरों, अगर आप लोगों ने हम तीनों को माफ कर दिया तो कोई एक ऐसा इशारा कर दीजिए जिसे हमें पता चल जाए कि माफी मिल चुकी है। अरे माफ कर दिया, सर को जाके इशारा दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब कैसे भी करके लड़कियों को याद दिलाते हैं। चलो चलो, बाय बाय कबूतरों। जेंटलमैन एंड माय लेडीज गर्ल्स, इससे पहले कि आप रिएक्ट करो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनके कजन भाई, लेट्स वेलकम फेमस कपल पप्पू रंगीला। सारे वाह भैया, क्या आवाज है आपकी। गाओ ना तुम भी। सारे वाह वाह, तुम लोग भी गाओ ना। गाओ ना गाए भी सारे। नहीं 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 नहीं, तुम लोग गाओ सारे गामा गामा गामा। ये आठवें सुर पर है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग गाओ हाँ गामा मारेगा। नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं, क्यों डर रहे हो, अरे गाओ ना। कम ऑन, गामा मारेगा गाओ बेबी, सिंग ना। गामा मारेगा गामा मारेगा गामा मारेगा, बिल्कुल सही, गामा मारेगा। कल हमारी शादी है, एक तरफ लड़कियों की याददाश्त आनी चाहिए, दूसरी तरफ पप्पू भैया की याददाश्त नहीं आनी चाहिए, वरना साला ये पप्पू भैया गामा बन के हंगामा करते का हमारी जिंदगी में। तो इतना नेगेटिव क्यों सोचता है, उसे कुछ याद आया? नहीं नहीं ना, तो फिर नहीं याद आएगा। किसी दुकान का नाम है।
बंगान जलेबी ए पास्ता परे भी एक गिले तेरे दीवाने जरा आ आ आ जा हे राजा रुस का वक्त हो रहा है काहे तेरे दूल्हे भाभियों से विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है चलिए मंडप चलिए क्या हमारी फटी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है अबे मजाक ही तो है उन लड़कियों को कुछ याद नहीं आ रहा है लेकिन इस कामा पहलवान को धीरे धीरे सब याद आ रहा है मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ के ऐसे भाग जाते नहीं हम लोग नहीं भागेंगे अगर ऊपर वाला यहाँ तक लेकर आया ना आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा मम्मा मिया तुम तीनों के लिए एक्स्ट्रा गुड न्यूज है अच्छी खबर है बहुत अच्छी खबर है I'm not joking. किसी मेरा पीछा कर रहा था भागते भागते हम लोग नीचे बेसमेंट में पहुंच गया बाहर रोमांटिकली एक्सीडेंटली पुराने चीजों के बीच में आपको पता है मुझे क्या मिला क्या, क्या, क्या? पिछले जन्म की है बेटी ये वही है ओह गॉड इससे तो हमारा काम हो जाएगा अगर ये पेंटिंग इन तीनों लड़कियों ने देख ली उन्हें तो सब याद आ जाएगा yes. केली, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग चलो तीनों लड़के को ढूंढते हैं एक साथ पेंटिंग दिखाएंगे हाँ ठीक है तू रूम में जाके देख हम दोनों हॉल में ढूंढते हैं ओके थैंक यू थैंक यू देखा राजकुमार भी मेरे बेंच पर रहते अभी तो शादी बनाएगा ना मुझसे मामा मैं तेरा मियां कभी नहीं बन सकता मामा इसे भी मानेगा हेलो रिसेप्शन हाँ वो मेरी नई एल्बम का पोस्टर एक बंदा लेकर आने वाला है जरा ऊपर भेज दीजिए थैंक यू जीजा जी आइए ना पप्पू भैया कमाल है पोस्टर आप ही लेकर आ गए पोस्टर जी हमारी नई एल्बम का पोस्टर फिर से बदला दीजिए ना लीजिए सबको लेके आया था अरे चश्मा कहाँ है आपको पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे पास की नजर थोड़ी कमजोर है यही कहीं मैंने चश्मा यही कहीं रखा था भाई साहब जरा वहां तकिए के पीछे देखिए ना वहां तो नहीं क्या ढूंढ रहे हो चश्मा चश्मा साफ करने दे दीजिए थैंक यू हाँ टाइम क्या हुआ 6 बजे ओह मेरी जॉगिंग का टाइम हो गया कमाल आधे घंटे में शादी है और ये जॉगिंग पे निकला है आज की जनरेशन भी ना बदला 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 पापा वो तीनों है कहाँ हम कब से ढूंढ रहे हैं उन्हें ना वो रूम में है ना फोन उठा रहे पता नहीं क्या ही और आप लोगों ने देखा है कहीं अरिति हाँ कहाँ खो गए तुम तीनों वो ये जगह अरे जगह को छोड़ो ये बताओ वो लड़की कहाँ है क्या है हम लोग मैं तुम लोग को ही ढूंढ रहे थे हरी कहाँ है एक्चुअली वो क्या है ना माला माला कौन माला 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 मतलब कि एक दूसरे के गले में माला डालने से पहले हम आप तीनों से कुछ कहना चाहते हैं कहना नहीं दिखाना चाहते हैं हाँ हाँ दिखाना चाहते हैं बस एक बार हैरी आ गई ना मेरा मतलब आ गया ना तो अरे हैरी आ गया शादी करोगे कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा मतलब ये तुम लोगों ने क्या पहन रखा है किसकी शादी है अबे किसकी शादी क्या तेरी इसकी मेरी अब तीनों की शादी है आज आज हम लोग की शादी है अफकोर्स तुम्हारी पेंटिंग की तरह वो
पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? बदला 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 से बदला बदला अरे पोस्टर तो देखा ही नहीं। महाराज ने अपनी तीनों राजकुमारियों के विवाह का निमंत्रण भेजकर मित्रता का पहला कदम उठाया है। दुश्मनी खत्म करने के लिए हमें जाना चाहिए भाई। तुम सबको मारने के बाद ही पूरा होगा मेरा बदला। हंड्रेड परसेंट गामा ने अब तक तो पेंटिंग देखी ली। तुम लोग हिम्मत से काम लो। इसलिए अभी नहीं सोच रहे तो जाओ। मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले तुम लोग एक रस्सी लो और रस्सी को कस के गांठ बांधो और गले में डाल के लटक जाओ, क्योंकि गामा आएगा ना। बदला, मेरे भाई को मारा। मैंने नहीं मारा। अरे भाई तुम इस तरह से कैसे है? और पप्पू बेटा आज ये बदला बदला कवाले ही गुस्से में क्यों गा रहे थे? कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा मतलब? अरे गामा की याददाश्त आ गई है। याददाश्त? ये गामा कौन है? ये क्यों हो रहा है? अभी पता करता हूँ। अबू बेटा, हरी अबू क्या बेटा इतना अबू कहाँ जा रहे? अबू डर के चले गए। वो शर्ट फट जाएगी। अबू क्या हंगामा यार? हंगामा नहीं गामा। छपो कहां तो मुझे छोड़ के चले। वाह, इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए। नहीं छोड़ूंगा किसी। इससे पहले कि गामा में पिरो दे पहुंच जाते। हाँ। अरे कोई मुझे भी बताएगा ये हो क्या रहा है? गामा को देख के तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? ये गामा कौन है? अरे गामा पप्पू रंगीला उर्फ गामा, मैं हैरी उर्फ बाला, तुम कृति उर्फ मधु, मधु बाला, मधु बाला, मधु अरे दूर हटो मुझसे, यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है। तुम रुको, मैं अब भी पूजा को बता के आती हूँ। ठरकी गई कहाँ? पूजा? इसका मतलब मेरा शक सही निकला रही। तेरा और रॉय का चक्कर चल रहा है। ये तो शटा, तू कैसी बहन है?
मैं अभी नेहा को बता के आती हूँ। अरे सुन तो ले, सोल्जर मीठी बातें बोलकर मेरी शर्म। तू भी मेरे मैक्स के साथ लगी हुई है। मैक्स नहीं था रहा। मैक्स? How could you do this? You cheat? आप मेरी वो कह रहा है मतलब? अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैक्स जो है वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। मेरा मतलब है मैक्स जो है वो तुम्हारा नहीं है, वो नेहा का है, और तुम जो हो वो मेरी। बदला? अरे क्या बदला है? उसको समझाने तो तू, जब समझाऊंगा तो बदला ले लेना। एक मिनट, इस लड़की को ध्यान से देखो, इसको मारो, इसको मारो, मुंह पर मारो, कान के नीचे मारो, मेरे 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 इसके हाथ पकड़ो। फ्लैशबैक पे चलो, फ्लैशबैक कहां तक पहुंचे? वापिस आओ, वापिस आओ, याद आया? बाला मधु, बाला मधु, हारी तुम फिर से शुरू हो गए। अरे किसने बोला था दूसरी बार मारने के लिए? काम आंधा हो गया, भागो। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। Yeah!
जो आपने इस राक्षस को गोली मार दी। हाँ माइकल भाई, इस राक्षस ने बड़ा तंग किया है। ये देखो, चार चार चाकू मार दिए पिछवाड़े पे, छन्नी बना दिया है। आटा और गेहूँ छान सकते अब तो। बड़ा दर्द हो रहा है, कृपा करके एक डॉक्टर को बुलवा दीजिए। माइकल भाई, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले जन्म में आप कोई और नहीं बल्कि थे सूर्यभान था। सब याद आ गया मुझे। सीख सीख उससे चली, अभी अभी आया है, सब याद आ गया। और सूर्यभान, इस औरत ने 3 दिन होटल के चक्कर लगा लिए, कुछ याद नहीं आ रहा। बस सबसे ये पूछती रहती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और अब सबको याद आ गया। हाँ सूर्यभान, पिछले जन्म में हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारा ये जो मंडप है एक्सीडेंटली हम पे गिर गया। नहीं राजकुमार बाला। राजकुमार बाला, 600 साल पहले वो मंडप अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि गिराया गया था। मेरे भाई कुमारा, तुम सबको मारने के बाद पूरा होगा मेरा बदला। हाँ बाला, इसकी वजह से हम सबका प्यार अधूरा रह गया था। हम सबको और गामा को मारने वाला ये था सूर्यभान। ना वो मैं ही था, मैंने ही पिलर्स उखाड़े थे, तो मेरा क्या उखाड़ लोगे तुम? और सिर्फ तुम सबको ही नहीं, गामा के भाई को भी मैंने ही मारा था। गामा के भाई को आपने मारा था? मैंने ही मारा था गामा के भाई को। राजकुमार सूर्यभान, आप क्या बोल रहे हैं? अबे मैंने ही मारा था गामा के भाई को। अरे ऐसे भी कोई मारता है? माइकल नहीं, आज ही फ्लैट हो गए। अटैक! क्यों निकाला? सॉरी। कोई मारे ना मारे, तू जरूर मार देगा मुझे। माला तुम ठीक हो? आगे से पूछ मेरी माँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लड़न लग गए। Thank you.
अपने भाई के गले नहीं लगोगी? अरे डरो मत, नहीं मारूंगा। पक्का? पक्का। पीस। कामा नहीं मारेगा। परसों तो फिर आ जाना सुहागरात के बाद। चलो ठीक है।